हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज का टॉपिक्स, इससे जो पूर्व आपको वीडियो दी गई थी, वह वीडियो यूबीएससी, सीबीएसई, आईसीएसई और तमाम बोर्ड्स को लेकर दी गई थी। आज हमारे पास जो टॉपिक है आज का, वो विद्यार्थियों को किस तरीके से अपने प्रिपरेशन, अपनी दिनचर्या किस तरह से रखनी है और कैसे वह एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक ज़रूरी टिप्स दूंगा। पहली बात तो आप लोग इस बात को अब गांठ बना कर रख लें कि जो आपके पास सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग अपना सिलेबस पूरा कर लें। यदि मैथ्स आप पढ़ रहे हैं, यदि आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है उसके सभी फॉर्मूलाज, उसके जितने भी लॉज, जितने पोस्टुलेट हैं, चाहे वो एक्जियोम्स हैं, वो सब आपको याद रखने होंगे। साथ ही साथ आपको उसके इंडक्टिव मेथड से, जहाँ पर पढ़ाया जाता हो, उसकी पूरी डिटेल्स आपको होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है, चाहे विषय कोई भी हो, आपको एक अच्छी प्रिपरेशन शुरुआती क्षणों से, जब से शिक्षा सत्र आपका विद्यालय शुरू होता है, तब से लेकर आप अंत तक, शिक्षा सत्र के 2-3 महीने पहले अपना जो सिलेबस रिवाइज और पूरा कर लें। साथ ही साथ जब आपके अंतिम क्षण, यानी कि आपके 2-3 महीने, जब बोर्ड परीक्षाओं से पहले 2-3 महीने आपको अपना सिलेबस तो पूरा कर ही लिया है, रिवीजन भी आपने कर ही लिया है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करने हैं, या आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, और हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। यदि आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चाहिए, चाहे यूबीएससी का हो, चाहे वो सीबीएसई का हो, तो यदि आप कमेंट करेंगे और ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे और यानी कि शेयर करेंगे इस चैनल को, तो ज़रूर हम आपके सामने जो है वो सब वीडियोस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करके दिखाएंगे, ताकि आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो सके। नमस्कार, मैं हूं सोनू रावत, आपका साथी, लेकर आया हूं यह वीडियो आपके सामने। और यह मुद्दा है आज का, जो हमारा टॉपिक है, कि बोर्ड प्रिपरेशन, बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे कर लें। आप अच्छे नोट्स बनाएं, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो बार बार रिवाइज हुए हैं जितने भी बोर्ड्स में, तो वो आप सब प्रिपेयर कर सकते हैं और अपना सिलेबस ज़रूर पूरा कर लें। और हो सके तो आप उसको रिवीजन करें, रिवीजन के अकॉर्डिंग आपका जो टफ सब्जेक्ट सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा समय दें, लेकिन ये नहीं कि मतलब जो आपको थोड़ा आसान से लगते हैं, चाहे लिंग्विस्टिक है क्वेश्चन पेपर उनके, तो उनकी प्रिपरेशन आपको प्रॉपर रूप से, आपको प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। साथ ही आप आखिर में वो टॉपिक्स ज़रूर देखें कि मतलब आपको जिन टॉपिक्स पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको रिवाइज कर लें। और छोटी छोटी चीज़ें, मतलब आपके जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में आपका विस्तार से एक्सप्लोर, मतलब एकदम से आपको उसके तह तक जाना होगा, ताकि आप एक अच्छी प्रिपरेशन करें और अच्छा नोट्स बनाएं। किसी भी बोर्ड के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हमें एक अच्छी समझ होनी चाहिए, ताकि हम जो है सिलेबस को अगर हम पूरा कर लेते हैं, उसके साथ साथ हमारे जहन में भी बैठ जाना चाहिए कि हम लोग पढ़ना क्या चाहते हैं, और हमें उस चैप्टर या उस सब्जेक्ट की पूरी प्रिपरेशन के लिए हमें जो है फुल्ली अपने आप को प्रिपेयर करना होगा अंदर से, और फिर आप ये सब कर सकते हैं। नमस्कार, तब तक आप सभी को इंतज़ार रहेगा, आप सभी के कमेंट्स का, कि आप कौन कौन से बोर्ड से बिलोंग करते हैं और आपको किस बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है, और कौन सा वीडियोस, किस टॉपिक्स पे हम वीडियोस बनाएं, ताकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। लेकिन अभी तक कमेंट, जब प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था, तो उसमें आपका कोई कमेंट्स नहीं आया, लेकिन फिर भी आप जो है ज़रूर कमेंट्स करेंगे। और इतने सब्सक्राइबर मेरे, अगर इतने कमेंट्स से पता चलेगा कि मुझे किस टॉपिक्स और किस बोर्ड्स पर वीडियोस बनानी है, तो आप अपनी राय जरूर रखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियोस, कमेंट एंड लाइक, एंड आई विल प्रोवाइड यू अकॉर्डिंग टू योर कमेंट। थैंक यू वेरी मच।